दोस्तों, आज हम ब्रिज डायवर्ट बनाएंगे। आपको बताएंगे कि ब्रिज डायवर्ट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे कि ब्रिज डायवर्ट कैसे बनाया जाता है। ये ब्रिज डायवर्ट पावर सप्लाई में यूज होता है। तो ये हमने लिया ब्रिज डायवर्ट, चार ब्रिज डायवर्ट लेंगे हम और इसको अलग अलग करेंगे, प्लस माइनस इसमें प्लस माइनस में जोड़ेंगे चारों ब्रिज डाइवर्ट को। ये देखिए, ये सिल्वर कलर का दिख रहा है ना, वो प्लस है, और जो प्लेन दिख रहा है ना वो माइनस है। ये 5408 ब्रिज डाइवर्ट है, इससे पावर सप्लाई बनी जाती है। तो चार हमने डाइवर्ट लिया है और प्लस प्लस में करेंगे ज्वाइन, और ये माइनस माइनस में ज्वाइन करेंगे। हमने चारों ब्रिज डाइवर्ट को आपस में जोड़ लिया है। ये देखिए, ये दोनों प्लस प्लस में है। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला इस साइड वाला, ये प्लस में सिल्वर को दोनों आपस में एक साइड में किया, और जो प्लेन प्लेन है दोनों आपस में एक साइड में किया। फिर ये दोनों को फिर चारों को आपस में मिला दिया हमने। अभी हम इसके अंदर कैपेसिटर ज्वाइन करेंगे। ये 2200 mFD 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये इस साइड वाला, ये माइनस का भाग है, ध्यान रखना, ये माइनस में जोड़ना है ब्रिज डायोड में, और इस साइड वाला प्लस में। ये आप देख रहे हो ना, कैपेसिटर में माइनस का एरो दिखा, एरो लगा हुआ है, तो ये माइनस है। तो हमने प्लस और माइनस को इसमें जोड़ दिया है ब्रिज डायोड में, कैपेसिटर को प्लस माइनस में जोड़ दिया है। ये देखिए, ये प्लस है, इस प्लस का भाग इसमें किया, इसका इसमें माइनस में किया। फिर हमने ये बैटरी चार्जर है 12 वोल्ट का, तो AC/DC सप्लाई देता है, इसके अंदर हमने ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए, तो आप भी अपने घर बैठे AC/DC पावर सप्लाई बना सकते हो ब्रिज डायोड के द्वारा।